अजमेर पुलिस अधीक्षक कुंवर राजदीप के निर्देश पर शहर में कुरियर की होम डिलीवरी करने वालों सहित उन तमाम लोगों की वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं जो घर घर जाकर प्रोडक्ट डिलीवर या बेचते हैं। इसी अभियान के तहत कृष्णगंज थाना इलाके के ईदगाह नगर कॉलोनी में भी वेरिफिकेशन किया गया। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में आज थाना अधिकारी दिनेश कुमावत के नेतृत्व में पुलिस ने उन तमाम जगहों पर जाकर जानकारी जुटाई जहां से घर घर प्रोडक्ट वितरण का कार्य किया जाता है। कृष्णगंज थाना अधिकारी के अनुसार शांति समिति की बैठक में घर घर जाकर कुरियर देने वालों के वेरिफिकेशन का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उन सभी लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा है जो घर घर जाकर प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं। गौरतलब है कि पूर्व में अजमेर शहर में कई ऐसी वारदातें सामने आई थी जहां आरोपी कुरियर देने के बहाने से या कोई प्रोडक्ट बेचने के बहाने से घर में दाखिल होकर लूट में डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। इस दौरान किशनगंज थाना पुलिस ने बड़ी संख्या में कुरियर डिलीवरी बॉय के वेरिफिकेशन किए और इस दौरान जिनका कोई कार्ड नहीं मिला उन्हें पाबंद भी किया गया। ये श्रीमान SP साहब अजमेर के निर्देशानुसार जो किराएदारों और मकान मालिकों का जो सर्वे जो कराया जा रहा है उसको उस कार्रवाई को निरंतर जारी रखते हुए कल जो RK पुरम और साई विहार कॉलोनी में जो अभियान चालू किया गया था उसी की अगली पंक्ति में आज हम ईदगाह कॉलोनी में ये सर्वे कराया जा रहा है और इसके तहत घर घर जाकर हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है। किराएदारों के सत्यापन वाले फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनके व्हीकल्स वगैरह का भी वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और इसी अभियान को हम निरंतर जारी रखते हुए आगे भी अन्य कॉलोनियों में जहाँ पर ज़्यादातर बाहर से आए हुए मजदूर और जो लेबर और किराएदार जो रहती है उनका सत्यापन कराया जाएगा।